मेढक मंदिर आया हूँ, चलिए आइए देखते हैं मेढक मंदिर के। ये एंट्री गेट है मेढक मंदिर जाने के लिए। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। ये मेढक मंदिर, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। सूखा पड़ा था इसलिए राजा साहब ने पूछा था कि हमारे राज्य में सूखा पड़ा है और कोई फसल वसल नहीं होती है, पानी नहीं बरसता है, तो ज्योतिषियों ने बताया था कि अगर आप राजा साहब आप मेढक के ऊपर अगर शिव जी का मंदिर बना दीजिए तब बारिश होगी, तो इसीलिए राजा साहब ने मेढक के ऊपर शिव जी का मंदिर बनाया तब बारिश हुई थी। और ये कब बना और राजा साहब का नाम क्या है? ये 1745 ईस्वी में बना था, राजा साहब का नाम था वेल के राजा साहब जो थे वो राजा बख्श सिंह, उनका नाम राजा बख्श सिंह। और ये कितने साल पुराना है? ये लमसम है 250-300 साल पुराना। और यहाँ पे पुरातत्व विभाग लोग आते हैं, इसको मेंटेन करते हैं? वैसे पुरातत्व विभाग वाले एक बार आए थे तो थोड़ा बहुत मेंटेन किया था। अच्छा, ये आप लोग खुद ही करते हैं या राजा साहब करवाते हैं? ये राजा साहब करवाते हैं। अच्छा, तो आप राजा साहब के लिए यहाँ पे? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप छोटे से यहीं रहे होंगे इसी गांव में? हम हाँ, हम तो यहीं तमाम काफ़ी दिनों से हैं, यहीं हमारा घर। अच्छा, और कुछ बताएंगे यहाँ मंदिर कितने मान्यता है यहाँ की? यहाँ बहुत मान्यता है, ये तांत्रिक मंदिर है, ये तंत्र विद्या पर बना हुआ है और ये रिद्धि सिद्धि का मंदिर है। यहाँ काफ़ी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो मन्नतें कोई करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो ये तांत्रिक अगर जो आते हैं, जैसे अभी आपने बताया तांत्रिक वगैरह आते हैं, तो तांत्रिक वगैरह कब आते हैं? तांत्रिक नहीं आते हैं, मंदिर है तांत्रिक, तंत्र विद्या पर पूरा बना हुआ है। अच्छा, ये आपका कहने का ये तंत्र विद्या, तंत्र विद्या पर बना हुआ है, ये लोकल मंदिर नहीं है, ये तंत्र विद्या पर बना हुआ है, ये तांत्रिक मंदिर है। और इसके ऊपर जो चोटी पर जो चक्र लगा है, ये सूर्य की गति से घूमता है, इधर सूर्य घूमता है उधर ही घूमता है। मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो आपको नंदी जी मिलेंगे, वो नंदी जी खड़े हुए हैं इस मंदिर में, और किसी मंदिर में खड़े नहीं पाएंगे। आप जो कुछ कहना सुनना होता है उनके कान में कहा जाता है, वो आपका संदेश भोलेनाथ तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि ऊपर की जो वो सूरज का वो लगा है, क्या कहा चक्र लगा है, वो सूरज के हिसाब से घूमता है? सूरज के हिसाब से जिधर सूरज घूमता है उधर ही घूमता है। और जो मंदिर के अंदर आप शिवलिंग देख रहे हैं, जो शिवलिंग भरा हुआ है वो दिन में भी 3 बार कलर चेंज कर देता है, कलर बदलता है दिन में 3 बार। सुबह देखोगे तो किसी और रंग में होगा, दोपहर कोई और रंग में, और शाम को और रंग में होगा। तो ये जैसे कि आपने कि सूरज के हिसाब से ऊपर का होता है, जैसे कि हमने देखा है कि हवा के हिसाब से भी बदलता है, नहीं ऐसा तो नहीं कि वो तंत्र विद्या से लगा हुआ है, वो जो चक्र है वो तंत्र विद्या से है, वो घूमता है, जिधर सूर्य ही घूमेगा उधर घूमेगा। और इसकी 10-12 किलोमीटर की रेंज में कोई दैविक आपदा नहीं हो सकती, इसका ये प्रमाण है। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू।